अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, 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 देखिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये क्या है, ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपने साथ नोट करें कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये सेकेंड लेयर है। फर्स्ट लेयर था ट्रोपोस्फेयर और सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपने याद रखना है, ठीक है। कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, और स्ट्रेटो, स्ट्रेटोस्फेयर ये क्या है, ये सेकेंड लेयर है एटमोस्फेयर का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये क्या है, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का सेकेंड लेयर है, ठीक है। ये आपने नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके हाइट्स के बारे में कि इसका हाइट्स कितना है, ठीक है। हाइट के बारे में देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर का जो हाइट है ये एक्सटेंड होता है 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने सब नोट करें, फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ये आपने याद रखना है, टेम्परेचर रेंज के बारे में अब रिसर्च करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने साथ नोट करें कि इसका जो हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर का वो एक्सटेंड हुआ है 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो कितना आता है, वो है 39 किलोमीटर आता है, ठीक है। इसका जो हाइट है वो कितना आता है, 39 किलोमीटर आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें, क्योंकि ये एक्सटेंड हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 50 से 11 माइनस करें, अब अगर 50 से माइनस 11 करें तो कितना आता है, 39 किलोमीटर। मतलब ये है कि इसका जो हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर का वो कितना है, 50 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं टेम्परेचर रेंज के बारे में, टेम्परेचर रेंज, ठीक है। देखिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये शो करता है पॉजिटिव लैप्स रेट, ये क्यों शो करते हैं वो रीजन मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपने साथ नोट करें कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये शो करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर ये शो करता है पॉजिटिव लैप्स रेट, शो पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है, ये पॉजिटिव लैप्स रेट शो करता है। वजह क्या है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव लैप्स रेट शो करते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। और ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है -56 सेंटीग्रेड टू -2 सेंटीग्रेड तक, ठीक है, ये आपने नोट करें, यहां पर आप देख सकते हैं द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, फ्रॉम -6 सेंटीग्रेड टू -2 सेंटीग्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट करना है, -56 ज्यादा है या -2 ज्यादा है, -56 कम है -2 से, ठीक है, ये आपने साथ नोट करें। तो ये आपने साथ नोट करें कि जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है माइनस
56 सेंटीग्रेड टू माइनस 2 सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टेम्परेचर है ये क्यों इंक्रीज होता है, ये जो पॉजिटिव लैप्स रेट है ये क्यों स्ट्रेटोस्फेयर शो करते हैं, रीजन ये है कि इसमें जो ओजोन है ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, रीजन ये है कि जो टेम्परेचर है ये क्यों, रीजन अपने साथ नोट करें, ठीक है। दिस इज बिकॉज ये पॉजिटिव रेट इसलिए शो करता है, ठीक है, दिस इज बिकॉज ये इस वजह से ओजोन, ये जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन का अल्ट्रा वायलेट रेज है ये ओजोन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, विच कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, रीजन आपने नोट कर ली, स्ट्रेटोस्फेयर शो करते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, -56 to -2 सेंटीग्रेड। वजह क्या है कि पॉजिटिव लैप्स रेट शो करते हैं, वजह यह है कि इसमें जो ओजोन है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट के बारे में, ठीक है, मेजर कंपोनेंट के स्ट्रेटोस्फेयर का मेजर कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके साथ नोट करें कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो मेजर कंपोनेंट है वो है ओजोन, ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज ओजोन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज ओजोन है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, O3, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, और इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है, इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, वजह यह है कि इसमें ओजोन प्रेजेंट होता है तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, देयरफॉर ये अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, ओजोनोस्फेयर, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, क्यों इसको ओजोनोस्फेयर कहते हैं, वजह यह है कि इसमें ओजोन प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में और इस वजह से इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करें एमसीक्यूज के लिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है और रिपीट होने वाले भी है कि ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है, तो ये जो ओजोन है ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं फिनोमिना अकरिंग इन स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें कि कौन सा फिनोमिना स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये अपने साथ नोट करें, क्यों एब्जॉर्ब होता है, वजह है कि इसमें ओजोन लेयर होता है और ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है,
द स्ट्रेटोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, द स्ट्रेटोस्फेयर एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है, तो अपने नोट करें, प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये है, कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर में मेजर कंपोनेंट कौन सा है, वो है ओ थ्री, और ये क्या है, ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, ये अर्थ है। अब अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, ये अर्थ है। अब इस सन से यूवी रेडिएशन आते हैं, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, अब ये क्या करता है, ओजोन, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट करता है इस यूवी रेडिएशन से, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन से, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें।